ठीक है शुरू करते हैं। मूवी में लीड में है डायना, पेंटी, गिप्पी, ग्रेवाल, इतने सारे कैरेक्टर्स। इजी। ओ हेलो, तो आ गए आप। मेरा नाम है एडीपी, आप लोग देख रहे हैं रिव्यू शुव्यू, और आज मैं लाया हूँ मूवी रिव्यू। और आज की हमारी मूवी है गुडला खट्टे में आ गया। दोस्तों मूवी के डायरेक्टर है रंजीत तिवारी। मूवी में लीड में है डायना पेंटी, फरहान अख्तर, दीपक दोबरिया, राजेश शर्मा, गिप्पी ग्रेवाल, रोनित रॉय और इन्ना मुलक। दोस्तों हम डायरेक्टली बात करते हैं स्टोरी की। जो स्टोरी है दोस्तों वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। इतनी कुछ खास अपीलिंग नहीं लगी मेरे को, लेकिन अच्छी है, मतलब ठीक ठाक इंस्पायरिंग है थोड़ी सी। ये कहानी है दोस्तों एक किशन नाम के आदमी की, जो कि यूपी के बहुत ही छोटे से शहर से बिलोंग करता है, लेकिन उसका सपना है कि वो फेमस बनेगा और अपने बैंड के थ्रू फेमस बनेगा। मतलब बेसिकली वो एक बैंड बनाना चाहता है और वो चाहता है दुनिया भर उस बैंड को जान पाए। तो ठीक है, बहुत ही कमाल का आइडिया है, बहुत ही कमाल की सोच है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाता है, क्या उसका बैंड सही में फॉर्म होता है, इस चीज को जानने के लिए तो आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी, मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग की। जो एक्टिंग है दोस्तों वो फरहान अख्तर की सबसे बेहतरीन एक्टिंग है पूरी मूवी में, लेकिन जो बाकी के एक्टर्स है वो सारे ही कमाल के एक्टर्स है। रोनित रॉय जी, दीपक दुबरियाल जी, राजेश शर्मा जी, ये सारे बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं। लेकिन हुआ ये है कि डायरेक्टर जी ने इनकी जो पूरी पोटेंशियल है वहाँ तक इनको यूज़ नहीं किया है, मतलब वहाँ तक उस लेवल तक इनसे एक्टिंग नहीं कराई है। तो मतलब जो फरहान अख्तर है वही आपको मतलब दिखाई देंगे पूरी मूवी में, लेकिन ये लोग बाकी के जो एक्टर्स हैं इनकी एक्टिंग आपको इतनी बेहतरीन नहीं लगेगी जितनी वो कर सकते हैं। मतलब वो सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, लेकिन उनसे उतनी एक्टिंग करवाई नहीं गई है। सो इनकी गलती नहीं है। मैं इधर बोलूँगा कि डायरेक्टर जी अगर थोड़ी बेटर और एक्टिंग करवाते तो शायद और उभर के आते सारे के सारे कैरेक्टर। दोस्तों ये सारी बातें होगी स्टोरी की और एक्टिंग की। मेरे को लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि जो किशन हमारा कैरेक्टर है जो निभाया गया फरहान अख्तर के द्वारा, वो जेल जाता है। मतलब ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ता है, लेकिन वो सिचुएशन इतना ईज में दिखाया गया ऐसे भी कुछ हुआ ही नहीं, हो बस वो जेल जा रहा। मतलब सुपरमार्केट जाना हो जैसे, बस चलो यार दूध लेकर आते हैं सुपरमार्केट से, ये क्या है, जेल जा रहा है भाई, थोड़ा अच्छे से दिखाओ सीन को कि अरे यार जेल जा रहा है, कुछ गड़बड़ होगी जिसकी वजह से वो जेल जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जेल वो बड़ी मजे में इजीली चला गया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है दोस्तों, जो फरहान अख्तर जी हैं वो एक उभरते हुए सिंगर है, मतलब वो एक सिंगर बनना चाहते हैं, लीड बनना चाहते हैं बेसिकली एक बैंड का, ठीक है। तो हर एक इंसान की एक सिंगल वॉइस होती है ना, मतलब मेरी एक अलग आवाज़ है, आपकी एक अलग आवाज़ है, वैसे ही उस सिंगर की भी एक अलग आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कभी प्लेबैक दिया गया अरिजीत सिंह के द्वारा, कभी दिव्य कुमार के द्वारा, कभी अमित मिश्रा के द्वारा। ये थोड़ी थोड़ी जो टेक्निकल चीज़ें हैं इन सबको इग्नोर नॉर्मल जनता कर देती है, लेकिन ये एक्चुअली में ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसे आप नहीं बना सकते कोई। दोस्तों अब बात करते हैं गानों की। जो गाने हैं वो काफ़ी अच्छे, मेरे को हर एक गाने अच्छे लगे, तो आप गाने तो एंजॉय करने वाले हो। दोस्तों अब बात करते हैं क्या आपको ये मूवी देखनी जानी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप एक बार तो ये मूवी हॉल में जाकर देख ही सकते हो। अच्छी मूवी है, फैमिली मूवी है, थोड़ा टाइम पास है, मूवी जल्दी भी खत्म हो गई है, ज़्यादा लंबा खींचा नहीं गया, तो वो मेरे को अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा दोस्तों इतनी कुछ खास नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वन टाइम वॉच डेफिनेटली है। दोस्तों अब आते हैं उस सेक्शन में जहां पे मैं इस मूवी को दूंगा ग्रेड, और इस मूवी को ग्रेड मिलता है दोस्तों बी ग्रेड, और ये बेहतर हो सकती थी, लेकिन ठीक है बी ग्रेड अच्छी है। जो डायरेक्टर है दोस्तों उनकी शायद सबसे पहली पिक्चर है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा मूवी ठीक है, लेकिन और बेटर डेफिनेटली हो सकती थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपको कोई भी गाना पसंद आया इस मूवी का तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको कोई सीन्स पसंद नहीं आए या पसंद आए तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो, और साइड में जो बेल आइकन दिया गया उसको भी प्रेस करें, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। दोस्तों रिव्यू शुव्यू एक ऐसा चैनल है जहां आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलेंगे, और मैं हमेशा वीकेंड में ट्राई करता हूं एक मूवी का रिव्यू ज़रूर बना लूँ। तो बेसिकली ये एक चैनल है जहां आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, तो मैं आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।